ये शरीर, ये मन दूषित हो चुका है दीदी, जिनमें जिज्ञासा, तर्क, नियम, रीति नीति जैसे अहंकार तो है, किंतु समर्पण, समर्पण नहीं। महादेव को जानने के लिए, उनको संपूर्ण रूप से पाने के लिए ऐसे संस्कारों का त्याग अनिवार्य है, और वो केवल तभी संभव है जब मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूं। ये कैसी अनुभूति हो रही है? सती की बातों से मेरा हृदय कांप क्यों रहा है? क्यों किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है मुझे? दीदी, मैं महादेव को इस यज्ञ में आने के लिए अवश्य मना लूं। मुझे चलना चाहिए सती, बहुत देर हो गई है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। तारे ग्रह नक्षत्रों का एकत्रीकरण यही संकेत दे रहा है कि सती का इस यज्ञ में आना तय है, और इसका अर्थ ये कि सती के साथ साथ प्रजापति दक्ष का भी विनाश। महादेव के बिना इस यज्ञ की पूर्ति होना असंभव है। प्रभु, इस अनर्थ को आपको रोकना ही होगा प्रभु, रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा इस विनाश के दुष्प्रभाव से सारे संसार को उबरने में न जाने कितने कल्प लग जाए, इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। ये मैंने क्या कर दिया? यदि मुझे ज्ञात होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं सती को यज्ञ में आने के लिए कभी नहीं उकसाती। नहीं, मेरा उद्देश्य तो केवल सती के विवाहित जीवन में क्लेश उत्पन्न करना था, किंतु अब तो मैं सती पिताजी और सृष्टि के विनाश का कारण बन जाऊंगी। अब मैं अपनी व्यथा किससे कहूं? हे राम, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। कैसे मनाऊं उन्हें, ये अधिकार कैसे पुनः प्राप्त करूं? महादेव तो सदैव आपकी कथामृत में खोए रहते हैं, अब आप ही कोई मार्ग बताइए। मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई, मैंने अपनी दक्ष बुद्धि पर अधिक विश्वास किया, आपको दिए हुए वचनों पर नहीं। ये जानते हुए कि आप सर्वज्ञ हैं, मैंने आपसे असत्य बोलने में तनिक भी संकोच नहीं किया। आपने मुझसे वमांगी होने का अधिकार छीनकर उचित दंड दिया है मुझे। सती, मैंने तुमसे वमांगी का अधिकार छीन केवल तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी दंडित किया। जिस प्रकार तुम मेरे बिना अधूरी हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं सती। परंतु प्रयत्न कर, जब कभी भी तुम इस योग्य हो जाओ, जब कभी भी ये मिलन
विश्वास और श्रद्धा से परिपक्व होगा, ना कि बुद्धि से। मैं तुम्हें यह अधिकार लौटा दूंगा सर। हाँ सर, तुम्हें आदिशक्ति होने का बहुत अनिवार्य हो रहा है और उसके लिए मैं तुम्हें स्वयं तैयार करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कायर निकलोगी। मैं कायर नहीं हूं पिताजी, आप मेरी बात समझने की चेष्टा क्यों नहीं कर रहे? महर्षि भृगु ज्योतिष शास्त्र के जन्मदाता है और यदि उनके अनुसार इन ग्रह नक्षत्रों का एकत्रीकरण किसी विनाश का संकेत दे रहे हैं तो विनाश अवश्य होगा। यदि परिणाम का मुझे भय होता, क्या अंतर रह जाता मुझ में और एक साधारण मनुष्य में? मैं साधारण नहीं हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं, इस संसार का संरक्षक, प्रजापति दक्ष। मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं शिव का सामना कर सकूं। सामना ही नहीं, मैं उसे पराजित कर सकता हूं। संसार के सारे नक्षत्र मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हैं। मेरे प्रकोप से चंद्रमा भी क्षय होने से नहीं बच पाया था। आप भूल रहे हैं पिताजी, जो श्राप आपने चंद्रमा को दिया था उस श्राप से मुक्ति उन्हें महादेव ने दिलाई थी। विजया, और इसी कारण आज चंद्रमा आपके जमाता होते हुए भी शिव के माथे पर विराजमान है, आपके चरणों में नहीं। तो बन जाओ उसके जाके चरणों की दासी, सम्मिलित हो जाओ उसके भूत विजास और गणों में, प्रजापति दक्ष द्वारा निष्कासित किए हुए हर प्राणी को शिव बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता है। कोई है? इस विक्षिप्त को इस भवन से बाहर निकालकर फेंक दो। प्रजापति दक्ष के द्वारा आयोजित इस महायज्ञ का निमंत्रण तो हमें मिल चुका है प्रभु, किंतु हम आपकी अनुमति के बिना वहां कैसे जा सकते हैं? सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव वो भी वहां उपस्थित होंगे। हम सब आपके और माता सती के साथ महायज्ञ में जाने के इच्छुक हैं। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का निमंत्रण ना मुझे भेजा है ना सती को, हम उनके यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। यदि ऐसा है तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। नहीं चंद्रदेव, आप अवश्य जाएंगे, वहां जाकर उनके निमंत्रण का सम्मान करेंगे। क्या मेरी इच्छाओं मेरी भावनाओं का कोई महत्व नहीं? आपने सभी को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी और एक पुत्री की व्यथा की आपने तनिक भी चिंता नहीं की। मेरे साथ ये अन्याय क्यों महादेव?
क्यों?